यदि यात्रा करते समय कुत्ते आपस में लड़ते हुए दिखाई दें तो आपकी यात्रा में विघ्न आ सकते हैं। यदि कुत्ता रोता हुआ दिखाई दे तो अनिष्ट होता है। ऐसी स्थिति में यात्रा नहीं करनी चाहिए। मनुष्य के जीवन की दिनचर्या का सबसे अहम भाग यात्रा करना होता है। कोई अपने घर से ऑफिस जाने के लिए यात्रा करता है तो कोई किसी पार्टी में जाने के लिए। हम सभी जीवन में प्रतिदिन कोई ना कोई यात्रा अवश्य करते हैं, फिर वह पड़ोस की दुकान से कोई सामान लाने की क्यों ना हो। इन्हीं यात्राओं के बीच में मिलने वाले शगुन एवं अपशगुनों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यह चर्चा ध्यान रखने योग्य है, तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जीवन में आने वाली ऐसी बाधाओं को रोकें। यात्रा के दौरान निम्न वस्तुएं सामने आए तो उन्हें शुभ एवं शगुन माना जाता है। फल, दूध, दही, गाय, कन्या, ब्राह्मण, कमल का फूल, वैश्या, नेवला, बकरी, मोर, कोयल, मछली, सफेद रंग का बैल, बच्चे को गोद में लिए हुए स्त्री, रुदन रहित शव यात्रा एवं नीलकंठ पक्षी, ये सभी यात्रा के दौरान सामने आ जाएं तो शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं अशुभ एवं अपशगुनों की। यात्रा के दौरान खाली घड़े को देखना अशुभ माना जाता है। यदि कुत्ता कांटेदार वृक्ष, पत्थर एवं शमशान पर मूत्र त्याग कर लौटकर यात्री के आगे चले तो यात्री का अनिष्ट होता है। यदि कुत्ता यात्री के पांव चाटे, कान फड़फड़ाए अथवा उस पर दौड़े तो यात्रा में विघ्नों का सामना करना पड़ सकता है। यदि कुत्ता अपने शरीर को खुजलाता हुआ दिखाई दे तो अशुभ माना जाता है। यदि यात्रा के समय कुत्ता ऊपर की ओर पांव करके सोता हुआ दिखाई दे तो यात्रा नहीं करनी चाहिए। यदि नीले रंग की मक्खी सिर के ऊपर बैठ जाए तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। ये सभी यात्रा के दौरान सामने आ जाएं तो अशुभ एवं अपशगुन माना जाता है। ऐसी स्थिति में अगर जरूरी ना हो तो यात्रा ना करें।